हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे। आज के स्टूडियो में बताने वाला आपको कि एसआई का सब इंस्पेक्टर जो होते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, उनका किस आधार पर सिलेक्शन होता है, कैसे होता है, ये सब बताने वाला इस वाली वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर, आखिर हमारे सब इंस्पेक्टर जो बनते हैं या फिर बनना चाहते हैं तो उनका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कैसे आपको होता है, बेसिकली कैसे होता है, क्या होता है, क्या नंबर होते हैं, क्या मार्किंग होती है, क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो बताने वाला। तो वीडियो में एंड तक मैंने टॉपिक ध्यान से सुनना समझना, जब आपको पता चलेगा तो लेट गेट स्टार्टेड वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को बता दूं सबसे पहले कि सब इंस्पेक्टर के सिलेक्शन में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह के मिलेंगे, ठीक है। एक तरह से आपको टेक्निकल मिलेगा और दूसरा नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो पहले हम टेक्निकल की बात कर लेंगे, टेक्निकल सिलेबस क्या है। तो इसमें जो आपको दोस्तों बता दूं, टेक्निकल सिलेबस में बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 100 नंबर का होता है, 100 नंबर के प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये टेक्निकल की बात हो रही है जिसमें 100 नंबर होते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है। जिसमें आपको प्रश्न में दोस्तों बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो मैं बता दूं आपको, इसमें फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड 33 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। वही आपको बता दूं कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में 33 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। वही दोस्तों आपको बता दूं कि गणित के जो पेपर होते हैं, वही गणित में आपको 34 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेंगे नॉन टेक्निकल के बारे में कि सब इंस्पेक्टर का नॉन टेक्निकल सिलेबस क्या होता है। तो नॉन टेक्निकल सिलेबस, देखो टेक्निकल सिलेबस में आपको बता दिया कि 100 नंबर का होता है और 2 घंटे का समय दिया जाता है। वही नॉन टेक्निकल की बात कर लेंगे आपको, तो इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। खुशखबरी ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाती। इसमें नॉन टेक्निकल में आपको जो है सिर्फ आपको प्रश्न पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन वाइज बटे होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, हिंदी से जो पूछा जाएगा वो 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही अंग्रेजी में आपको 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। मैथ्स में आपको लगभग 30 नंबर का ही पूछा जाता है। वही आपको दोस्तों जनरल नॉलेज में 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि दोस्तों हिंदी और जनरल नॉलेज में मिलाकर 70-70 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद आपको मतलब कि 70-70 140 हो गए, वही आपको 30-30 बचे, ठीक है। 30-30 जो होते हैं वो आपको इंग्लिश और मैथ में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 और ये 140 टोटल मिला के 200 मार्क्स का इसमें पूछा जाता है, जो मैंने नॉन टेक्निकल का बता दिया आपको। टेक्निकल नॉन टेक्निकल में क्या डिफरेंसेस है ये मैंने बता दिया आपको। तो इसमें कैसे क्या होता है ये बता दिया मैंने आपको। तो वीडियो में यहाँ तक बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।